केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नया नारा बुलंद किया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस सूची में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार और दूसरी चीजें शामिल है। इसका ऐलान करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच लागू होगा। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि इन वस्तुओं की सूची को रक्षा मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों ने परामर्श करने के बाद तैयार किया है। इसमें सेना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य में युद्ध उपकरणों को तैयार करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट में भी सामने आई है कि भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। बता दें, इस सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है और दूसरा नंबर चीन का है, तो वहीं तीसरा नंबर हिंदुस्तान का है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2019 में डिफेंस क्षेत्र में $71 बिलियन खर्च किया था, जो साल 2018 के मुकाबले 6.9% ज्यादा है। लेकिन क्या ये तस्वीरें रक्षा मंत्रालय के नए ऐलान के बाद अगले 5 सालों में बदल जाएगी?